तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है। और सभी तालियों के साथ में चले। ये भजन किस किस ने सुन रखा है, किस किस ने सुना है? बिल्कुल आप ठाकुर जी के लिए गाइए, मेरा निवेदन स्वीकार मत कीजिए ठाकुर जी के लिए, क्योंकि भाव आपसे बनता है, क्योंकि भावना में जहां तक भाव नहीं भावना बेकार है, और भावना में यदि सच्चे भाव है तो भव से बेड़ा पार है। एक बार आप सभी की हाजिरी, तेरी गली बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी गलियों का हूँ आशिकी, तू एक नगीना है। हो हमारे शाम प्यारे, हारे के सहारे की जय हो। तेरे बिन में एक पल भी जी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द मैं सह नहीं सकता। आज अपने पास में है सब भगवान का है, ठाकुर जी का है, क्योंकि कोई कहता है महल बनवाऊंगा मैं, कोई कहता है शहंशाह बन जाऊंगा मैं, पर ए इंसान तू ना जाने बंदे तेरी क्या औकात है, ये चार दिन की जवानी फिर अंधेरी रात है। एक इंसान दूसरे इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है पर देने वाला तो मेरा ठाकुर देता है। और जब वो देने पे आ जाए लाखों अरबों खरबों के ढेर लगा देता है, और वो ठाकुर जब लेने पे आ जाए तो शरीर की चमड़ी तक उधेड़ देता है। तो कहा तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा, मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और मेरा तो परिवार आज ठाकुर जी के भरोसे ही है, और जो भजन दूसरे
दूसरा चला था ने हेला पे हेलो दे हमारी माई। मैं कह सकता हूँ मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो ठाकुर जी का है। और किन किन के पास में भगवान की दया से उनका उनका ही है, वो मेरे साथ में गाएंगे। तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा, मेरा परिवार था आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा घर चलाने वाला, मेरा घर चलाने वाला तू ही दातार था आज भी है और कल भी रहेगा। और क्या क्या धुन बजाई हमारे विनोद भाई ने। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मत अब तो आना और जाना है। एक छोटे से रूप में इस भजन को लेंगे क्योंकि समय हमारे पास में कम है। मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम, तेरी खुशी में मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तू लहू है तू जान है तू पसी लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना ये होती है भजनों के प्रति दीवान की। आप हमारे आदर्श हैं, ये इन्होंने जी लिया, जितना जीना था इन्होंने जी लिया और ये आनंद कर रहे हैं, आज मौज में हैं। कल देखिए हमारी स्थिति ये नहीं हो कि हम इस उम्र में आए, क्योंकि हमारा खान पान वैसा हो गया, हो ही नहीं सकता हम 50-45 क्लोज करें, क्योंकि 50 होते ही बैठे बैठे साइलेंट अटैक आ जाता है, कोई भरोसा नहीं किसी का। कबीरा गंदी देह का खराब भरोसा ना आए, और आज बैठा जागरण में काले मसाना
किसी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो जी लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। और इनकी जो उम्र है इन्होंने सब पा लिया, और हमें, हम जब इनकी उम्र में आएंगे तब हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। हमारे अगर हमने पैसे जितने इकट्ठे कर लिए, जितने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो हमारे बच्चे क्या पता हमारी सेवा करे कि नहीं करे। और इस स्थिति में जब हम आएंगे तो सब एक तरफ रह जाएगा, परिवार एक तरफ हो जाएगा, सब कुछ एक तरफ हो जाएगा, और उस टाइम वही याद आएगा कि हे प्रभु इसी दिन के लिए मैंने ये उम्र देखी थी। कर्म अगर अच्छे हैं तो भगवान हर वक्त साथ में है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में कहा, दुनिया मांगे सोना चांदी, मुझे जरूरत तेरी, ओ हो हो, ओ दुनिया मांगे सोना चांदी, मुझे जरूरत तेरी, दरवाजे पे खड़ा हूँ तेरे, अब तो सुन ले मेरी, इसके सिवा मन मेरा कुछ भी मांगे ना। ये पगला है समझाने से समझे, ये पगला है समझाने से समझे। और एक और लाइन जो हम सब की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो बाबा, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अरे सावरिया सेठ जी, जीता रो जीता और एक ही सहारा है क्या, सावर से मिलने का सत्संग एक बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पूरा। और इस उम्र में भगवान को बज लिया तो अच्छी बात है, बाकी शंभू भाई बुढ़ापे में क्या कहना पड़ेगा। मेरा जीवन गोरा कागज गोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन गोरा कागज। बोले सवरिया सेठ की।